आज हम बनाएंगे ज्वार की रोटी। भाई बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना बताएंगे, तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, अंबे माँ की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे ज्वार की रोटी, इसे हम झुंडी की रोटी भी बोल सकते हैं या ज्वार की रोटी। चलिए बनाना शुरू करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे, और पानी को मैं थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार ही डालेंगे, वैसे आधी चम्मच डाल दें। और हम थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे, करीब 2 चम्मच, जो खाने वाली चम्मच होती है छोटी चम्मच से 2 चम्मच हम घी डालेंगे। और थोड़ा पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे, ताकि जो पानी में हल्के हल्के से बबल्स आ जाए, अच्छे से उसको गर्म करना है। इसके बाद जो हमारा ज्वार का आटा है, हम ज्वार का आटा डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाना है। एक बार में हमें पूरा आटा नहीं डालना है, आटा डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक के रख देंगे। हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे हमारी रोटियाँ बहुत ही नरम रोटियाँ बनेंगी। गाइस, मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम इसको ढक के अच्छे से रख देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे सिर्फ 1 मिनट के लिए। इसके बाद हम ढक्कन खोल के देखते हैं, हमारा जो आटा है अच्छे से नरम हो गया है। हम एक प्लेट में इसको आराम से निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से आटा नरम हो गया है, निकाल लेंगे एक प्लेट में। अभी थोड़ा ज़्यादा गर्म है तो अभी इसको मछलेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमें इसको अच्छे से मछलना भी है हाथों से। चलिए हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, करीब 1 चम्मच हम इसमें, 1 से 2 चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे अब। और चलिए घी डाल के हम इसे अच्छे से मसलते जाएंगे एकदम, हमें जैसे रोटियों के लिए आटा गूंथते हैं ना, और उसको एकदम चिकना सा गूंथते हैं, उसी तरह से हमें इस आटे का भी अच्छे से डो लगा लेना है, या आटा गूंदना बोल सकते हैं, डो लगाना। अच्छे से हम इसको चिकना कर लेंगे। और वैसे भी झुंडी की जो आटे की रोटियाँ बनेंगी एकदम पतली, आज मैं आपको बेल के बताऊंगी कि रोटियाँ झुंडी के आटे की रोटियाँ बेल के कैसे बनाना है। चलिए हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और हमें प्लेट में एक तरफ इसको रख लेंगे। अच्छे से टाइट हाथों से मसलते हुए हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो आटा है बिल्कुल जैसे रोटियों के लिए आटा गूंदते ना, वैसे ही हमें अच्छे से इसको मसल देना है। देखिए कितने अच्छे तरह से हमारा आटा है एकदम प्लेन हो गया है। हम इसे साइड में रखेंगे, और इसकी मीडियम साइज़ की लोइयाँ काटेंगे। जिस साइज़ की हम रोटियाँ बनाना चाहें उसी साइज़ की हम लोइयाँ बनाएंगे। छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे और इसे बेलन पे रखेंगे, गोल करेंगे, और हम इसमें लगाएंगे जो हमारा ज्वार का आटा है। ज्वार का आटा हमें लगा लेना है, और लगाने के बाद दोनों तरफ अच्छे से ज्वार के आटा में अच्छे से कोट कर लेना है। इसके बाद हम इसे बेलेंगे, अच्छे से बेलना है। आप इसे हल्के हाथों से ही बेल सकते हैं, अच्छे से एकदम पतली रोटियाँ बेलिए, जितना आप पतला चाहते हैं उतना पतला इनको रख सकते हैं, रोटियों को अच्छे से पतला बेलेंगे। और वैसे भी आपको छोटे छोटे रोटियों में जो बेल रहे हैं क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, तो आप इस तरह से ये बना सकते हैं। या फिर आप क्या कीजिए, एक बाउल लीजिए गोल सा, और उससे आप क्या रोटियों को अच्छे से काट लीजिए। देखिए हम इस तरह से काट लेंगे, इससे हमारी जो रोटी बनेगी बिल्कुल गोल रोटी बनेगी, बिल्कुल भी नहीं फटेगी। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है रोटी। अब हमने तवा, गैस पे तवा गरम करने के लिए पहले ही रखा है, तो हम तवा में रोटियों को डाल देंगे। एक तरफ सिकने के बाद दूसरी तरफ हमें इसे पलट देना है, अच्छे से पलटना है। और फिर हम इसमें लगाएंगे घी, हम 1 चम्मच इसमें घी लगा देंगे। अब रोटी बनने के बाद भी घी लगा सकते हैं, मैं अभी इसमें घी लगा रही हूँ। और फिर हम दोनों तरफ इसको एक तरफ सिकने के बाद दूसरी तरफ पलट देंगे, और दोनों तरफ हमें पलटते पलटते इसमें घी लगा लेना है, और इसको अच्छे से सेक लेना है। ये जो रोटियाँ होती हैं, जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्थफुल होती हैं। ये बहुत ही हल्की, मतलब कि यानी कि बहुत हल्का खाना है ये, एकदम भारी खाना नहीं है, एकदम लाइट खाना है। आप इसको खाइएगा भाई, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं रोटियाँ, ज्वार की रोटियाँ। चलिए हम इस तरह से इसको सेक लेंगे। अभी आप भारी चम्मच से भी दबाते हुए इसको सेक सकते हैं, और एक प्लेट में आप इसको निकाल लीजिए। चलिए इसी तरह से हम सारी रोटियाँ बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह से हमने फिर एक लोई बनाई है, और इसको बेलन पे रखे अच्छे से हम इसको बेल देंगे, एकदम पतला सा बेल रहे हैं। आप इसे काटना चाहें तो इसे गोल काट सकते हैं बाउल से, या फिर
आप इसी तरह से ही बना सकते हैं, दोनों तरीके ही सही हैं। यदि आपको भाई एकदम जो क्रैक्स नज़र आ रहे हैं बिल्कुल भी क्रैक्स नज़र नहीं आना चाहिए, तो आप इसे एक बॉल से काट सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया ना इसी तरह से आप काट सकते हैं। और गाइज़ मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी बदली बदली सी नज़र आ रही है, सुनाई दे रही होगी, सॉरी, वो इसलिए कि मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी बदली बदली सी नज़र सुनाई देगी आपको। चलिए हम अच्छे से इसको दोनों तरफ उलटते पलटते सेक लेना है, अच्छे से हम इसको सेक लेंगे। भारी चम्मच से ही मैं इसमें घी लगा रही हूँ। और चलिए एक तरफ घी लगाने के बाद हम दूसरी तरफ पलट देंगे। इसलिए मेरा वीडियो आपके पास नहीं आ पाया है, क्योंकि मैं थोड़ी आवाज़ सही नहीं आ रही थी मेरी, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। लेकिन आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे इसी तरह बनाए रखिएगा। चलिए मैं अच्छे से इन रोटियों को सेक के तैयार कर लेंगे। सभी रोटियों को हमें इस तरह से बना लेना है भाई। ये सुपर डुपर रोटियां खा के तो मज़ा ही आ जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। इसमें हमने जो नमक डाला है ना, उससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है नमक घी डालने से। चलिए हमारी रोटियां सेक के तैयार है, और गैस की फ्लेम में हमने मीडियम कर रखा है, मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से तेल लगाया है। ठीक है, आप इसे चने की साग के साथ भी खाइएगा, रसेदार आप किसी भी सब्जी के साथ खाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी। और देखिए कितनी पतली रोटियां हैं, आप इसे दाल के साथ भी खा सकते हैं या चने की भाजी के साथ और सलाद के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।